हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द एनएमटी स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द एनएमटी स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। ये जो अपडेट है यूजीसी की तरफ से आया है और फेलोशिप से रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये कहा है कि जो डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिलती है 3 साल के लिए, जो पोस्ट डॉक्टरल फेलो होते हैं उनके लिए, तो उसका जो अभी लेटेस्ट जो जारी किया गया था उसकी लिस्ट जारी की गई थी कैंडिडेट्स की जिनको वो अवार्ड हुई है, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर वो फेलोशिप ज्वाइन करनी होती है फेलोज को। लेकिन यूजीसी ने बोला कि अभी जैसा कि COVID-19 पेंडेमिक चला है और बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी आ रही है, वो फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, टाइम पीरियड लग रहा है, तो इसलिए 3 महीने से बढ़ा करके उसको जो ज्वाइनिंग पीरियड है उसको 6 महीने कर दिया है। मतलब जो डेट ऑफ अवार्ड होगी अवार्ड लेटर पे, जो डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर होगी उससे लेकर के आगे 6 महीने तक जो है आप उसको फेलोशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जो ज्वाइनिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है। ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो यूजीसी ने पब्लिश किए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें और शेयर करें, बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, और कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, और इसमें आज ही अपलोड किया है इसको साइट पर। हालांकि नोटिफिकेशन जारी कर दी थी 19 जून 2020 को। इसका सब्जेक्ट इन्होंने दिया है एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग पीरियड अंडर डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम रिगार्डिंग। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर द स्कीम ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोवाइड्स फेलोशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैविंग अ डॉक्टरल डिग्री प्रेफरेबली विद पब्लिश्ड रिसर्च वर्क टू देयर क्रेडिट्स। एज पर द प्रोविजन ऑफ द गाइडलाइंस द कैंडिडेट शुड ज्वाइन फेलोशिप विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर, फेलिंग विच द अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। कि मतलब ये डॉक्टरल फेलोशिप जो है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप उन लोगों को मिलती है जो PhD के बाद अपनी PDF परसू करते हैं, और ये 3 साल के लिए मिलती है, और जब से जो है आपको अवार्ड लेटर इशू होता है उसके विद इन 3 मंथ जो है वो ज्वाइन करनी होती है ये फेलोशिप। अगर कोई नहीं करता है तो उसकी डिग्री सॉरी अवार्ड जो है वो अवार्ड लेटर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द UGC दैट इन द व्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड अंडर द स्कीम आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ज्वाइन द फेलोशिप विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 मंथ। कि COVID-19 के चलते जिन लोगों को अवार्ड हुआ है उनको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, और 3 महीने में नहीं हो पा रहा है, तो हैंस टू अवॉइड हार्डशिप बींग फेस्ड बाई द कैंडिडेट्स द सिलेक्टेड कैंडिडेट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम 3 मंथ टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड वाइड 85th, 86th एंड 87th लिस्ट अंडर डॉक्टर डी एस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम। कि जो कैंडिडेट जो है 85th, 86th और 87th लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, उन जिनको अवार्ड लेटर इशू हुए हैं उनके लिए ज्वाइनिंग पीरियड जो है वो 3 महीने से 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो उनकी वो होगी, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उनकी डेट ऑफ इशू उससे लेकर के 3 महीने के भीतर जो अवार्ड लेटर पे डेट डली होगी, तो अब जो है टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग इसको जो है वो 3 महीने की बजाय विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर भी जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था जी नोटिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें इस नोटिफिकेशन को और वीडियो को जितना हो सकता है बाकी लोगों को इसके बारे में पता हो, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।